हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 20.2 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या करा? फाइंड थ्री नंबर्स इन जीपी हुज सम इज 65 एंड हुज प्रोडक्ट इज 3375। तो हम लोग क्या लेंगे कि लेट द थ्री नंबर्स बी ए बाई आर ए एंड ए आर, यही ना लेंगे जी जीपी के हैं टर्म्स। तो चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी कि a बाई आर ए और इंटू में ए आर दिया हुआ है कितना 3375। यहाँ r से r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, a क्यूब इक्वल टू में 3375। तो यहाँ पे a क्यूब इक्वल टू में 15 का क्यूब हो जाएगा, है ना जी। यहाँ से तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब नाउ इनके टर्म्स का सम दिया हुआ है, सम जो दिया है 65, यानी कि a बाई आर ए और ए आर जो है आपके पास कितना दिया है, 65 दिया हुआ। तो चलिए यहाँ पे ए का वैल्यू पुट कर देते हैं, ए इक्वल टू में जो 15 था यहाँ रख देते हैं, तो 15 बाई आर 15 और प्लस का 15 आर इक्वल टू में 65। 15 कॉमन कर लेते हैं, 1 बाई आर 1 और प्लस का आर इक्वल टू में यहाँ पे 65। ये 15 उधर आते डिवाइड में और आर एलसीएम लेंगे, तो 1 प्लस का आर स्क्वायर इक्वल टू में 65/15। 5 से काट देते हैं इसे 3 टाइम्स में और ये आपका 13 टाइम्स में, है ना जी। चलिए तो अब आगे इसे सॉल्व कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो हो जाएगा यहाँ पे 3r क्यूब प्लस का 3r प्लस का 3 इक्वल टू में 13r। इसको इधर लेके आते हैं तो हो जाएगा 3r स्क्वायर प्लस का 3r प्लस का 3 माइनस का 13r इक्वल टू में 0। तो अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3r स्क्वायर माइनस का 10r प्लस का 3 इक्वल टू में 0। यहाँ से हम लोग इसका फैक्टर करते हैं, 3r स्क्वायर माइनस का 9r माइनस का r प्लस का 3 इक्वल टू में 0। यहाँ से देखिए 3r कॉमन होगा तो r माइनस 3 बचेगा, माइनस 1 कॉमन होगा r माइनस 3 बचेगा, दोनों ब्रैकेट में सेम है। तो यहाँ से कॉमन कर लेते हैं r माइनस 3 को, तो यहाँ बच जाएगा 3r माइनस 1 इक्वल टू में 0। यहाँ r माइनस 3 इक्वल टू में 0 और 3r माइनस 1 इक्वल टू में 0, तो r इक्वल टू में यहाँ से 3 और यहाँ से r इक्वल टू आ जाएगा 1/3। अब इसके बाद दो केस आएंगे, केस पहला when a इक्वल टू में आपका 15 और r इक्वल टू में 3। तो देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा, यानी कि a बाई r था वो हो जाएगा आपका 15 और बाई में 3 5 आ जाएगा। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म उस जीपी का सेकेंड नंबर भी लिख सकते हैं, है ना जी, नंबर भी लिख सकते हैं ए, जो कि है आपका 15। और थर्ड नंबर या थर्ड टर्म वो ए आर हो जाएगा, यानी कि 15 इंटू में 3 यानी 45। ये हो गए। अच्छा, सेकेंड केस हो सकता है, केस सेकेंड में यहाँ पर वेन a इक्वल टू में 15 और r इक्वल टू में 1/3। चलिए देख लेते हैं, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर जो कि है a बाई आर, यानी कि हो जाएगा 15 बाई में 1/3 45। सेकेंड नंबर था आपका a, जो कि हो जाएगा 15। और थर्ड नंबर क्या होगा, थर्ड नंबर जो है आपका ए आर है, यानी कि आ जाएगा 15 इंटू में 1/3, ये 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये 45, 15 और 5, ये आपका आंसर हो गया, या फिर ऊपर वाला भी 5, 15, 45, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड थ्री नंबर्स इन जेपी।